नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में, और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BSTC और BEd को लेकर के। जी हां दोस्तों, BSTC या BEd आप कर रहे हैं या फिर आप करना चाहते हैं भविष्य में, तो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, BEd और BSTC करने के दौरान किन किन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, कौन सी वो बातें हैं जिनको फॉलो करने के बाद, जिनको ध्यान में रखने के बाद, जैसे ही आप अपना BEd और BSTC कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद जो वैकेंसी आएगी टीचर की, तो उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पहली बार में यदि आप एग्जाम फाइट करना चाहते हैं, पहली बार में आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको BEd करते समय या BSTC करते समय इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिन बातों को मैं बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, वो बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, पूरे वीडियो में बने रहिएगा और कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करें, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरे और आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। जी हाँ दोस्तों, यदि आप BEd या BSTC कर रहे हैं या फिर आप करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, BEd और BSTC करने के दौरान आप इन बातों पर यदि फोकस करेंगे, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, इनके बाद यानी कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो ही वैकेंसी आएगी तो उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा और हो सकता है आपका पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, कौन कौन सी वो बातें जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने भी BEd किया है, तो जो अनुभव मैंने प्राप्त किए हैं BEd करने के दौरान, मुझे लगा कि हाँ यार, इन चीज़ों पर हमें और ध्यान देना चाहिए था, तो उसका बेनिफिट हमें मिल जाता बाद में। तो वही सारी बातें आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप BEd कर रहे हैं या BSTC कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, सबसे पहली जो बात है, महत्वपूर्ण जो बात है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है सब्जेक्ट का चुनाव। जी हाँ दोस्तों, जो सब्जेक्ट आप ले रहे हैं BEd के दौरान, BSTC के दौरान, तो आपको बहुत सोच समझ करके सब्जेक्ट लेना चाहिए। अब यहाँ पर मैं बात करूँ BSTC की, तो BSTC वालों को तो जो सब्जेक्ट लेने होते हैं वो ही उनको मिलते हैं, यानी कि उनके सब्जेक्ट वाली कैसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर BEd की यदि मैं बात करूँ, तो साथियों BEd वालों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप BEd कर रहे हैं या BEd में एडमिशन अब लेना चाहते हैं, तो आपको सब्जेक्ट का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि BA में आपके जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, BA, BSc, BCom, जो भी जिस सब्जेक्ट से, तो वही सब्जेक्ट आपके BEd में होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, यदि आपके BA में हिंदी साहित्य है और राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, तो आप इन्हीं विषय में से BEd में जो विषय आप चयन करेंगे तो वो आपके होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि एक विषय आपको हिंदी साहित्य लेना चाहिए, और इसके साथ ही जो दो विषय हैं SST वाले, उनमें से आप कोई सा भी एक विषय ले सकते हैं। इसी तरह आपको साइंस में भी सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको आगे बहुत फायदा मिलेगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर बता दूँ, सब्जेक्ट का चुनाव कई बार गलत कर लेते हैं कैंडिडेट्स, तो बाद में उनको बहुत दिक्कतें होती है। कई बार ऐसे उदाहरण मेरे सामने भी आ चुके हैं जहाँ पर जो सब्जेक्ट है उनका चुनाव जो है कैंडिडेट्स गलत कर लेते हैं, और बाद में उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि आपको सब्जेक्ट वही चुनने हैं जो आपके ग्रेजुएशन में, यानी कि BA में या BSc में जो सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं, वही आपको BEd में रखने हैं। दूसरी बात, यहाँ पर सब्जेक्ट से संबंधित बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट वही ले जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको आगे जाकर के, यानी कि BEd या BSTC होने के बाद, इसी सब्जेक्ट से आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करेंगे और यही सब्जेक्ट आपको स्कूल्स में पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, उसी सब्जेक्ट का आप चयन करें BEd के दौरान। अगली जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए ध्यान में रखने के लिए। जी हाँ साथियों, दरअसल मैंने भी BEd किया, तो इस बात पर, यानी कि इस जो टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो काफ़ी दिक्कतें मुझे बाद में हुई, मुझे नुकसान भी इसका उठाना पड़ा। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आपको भी ऐसा नुकसान उठाना पड़े। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि BEd या BSTC करने के दौरान जो भी किताबें आपके पाठ्यक्रम में हैं,
उनको आप अच्छे से पढ़े। जी हाँ दोस्तों, दरअसल होता यह है कि जो कैंडिडेट्स बीएड या बीएसटीसी करते हैं तो वो बीएड और बीएसटीसी के दौरान अपनी जो बुक्स है, जो पाठ्यक्रम है, उनको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक हकीकत है। बीएड और बीएसटीसी करने वाले कैंडिडेट्स अपने पाठ्यक्रम के प्रति बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं होते हैं, बल्कि वो ये सोचते हैं कि यार बीएड और बीएसटीसी तो मौज मस्ती करने के लिए है। तो दोस्तों, साल भर वो मौज मस्ती में रहते हैं, लेकिन अपनी जो किताबें हैं जिनको उनको साल भर अच्छे से पढ़ना चाहिए, 2 साल उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, उनको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जो किताबें आपकी बीएड और बीएसटीसी में है, उन किताबों को अच्छे से पढ़े। उनमें आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट की बुक्स हैं या फिर साइकोलॉजी की जो किताबें हैं, बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा। साइकोलॉजी की जो किताबें और सब्जेक्ट की जो बुक्स आप पढ़ेंगे बीएसटीसी और बीएड के दौरान, उन्हीं में से आगे जाकर के जब कॉम्पिटिशन एग्जाम आप देंगे तो क्वेश्चन वहां पर बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस दौरान इन चीजों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, इन पर अच्छी कमांड आप बना लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, जो पहली बारी वैकेंसी आएगी आपके बीएड या बीएसटीसी कंप्लीट होने के बाद, तो उसमें आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे बजाय दूसरे अभ्यर्थियों के। क्योंकि साथियों, ऐसा मेरे साथ भी हो चुका, बीएड के दौरान मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था और उसका खामियाजा मुझे आगे जाकर के वैकेंसी में उठाना पड़ा था। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा कि बीएड और बीएसटीसी के दौरान आप जो साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान की जो किताबें, उनको अच्छे से पढ़ें, समझें, और साथ ही और भी जो किताबें आपके सिलेबस में हैं उनको भी अच्छे से पढ़ें। और अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है दोस्तों कि जहाँ से भी आप, जिस भी कॉलेज से आप बीएड और बीएसटीसी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो कॉलेज का स्टाफ है, जी हाँ दोस्तों, उससे आप एक अच्छा रिलेशन बनाएं। जी तो आपके जो प्रिंसिपल हैं और साथ ही वहाँ का जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, उन सभी से आप एक अच्छा रिलेशन बनाएं, अच्छा कम्युनिकेशन आप बनाएं, ताकि किसी भी दिक्कत हो तो अध्यापक आपकी मदद कर सके, बशर्ते आप अनुशासन में रहें और एक अच्छा रिलेशन, अच्छा कम्युनिकेशन आपके स्टाफ से, आपके टीचर से आप बना करके रखें। और इसी के साथ साथ ही उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, अपने टीचर्स के साथ जो व्यवहार आप कर रहे हैं उसमें विनम्रता और अनुशासन बनाए रखें। और अगली जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि आप कहाँ कहाँ से अच्छा मैटर आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बीएड और बीएसटीसी के दौरान जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको स्टडी भी करनी है और आपकी किताबें जो आपके पाठ्यक्रम में उनको अच्छे से पढ़ना है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि पढ़ाई के लिए आप अपने जो कॉलेज की लाइब्रेरी है वहाँ से भी अच्छी अच्छी किताबें आप निकलवा सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही कहीं से आपको नोट्स मिल जाए, चाहे कॉलेज फैकल्टी से लीजिए या फिर अपने किसी साथी से, तो उन नोट्स को भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर कोई टेस्ट सीरीज हो, मॉडल टेस्ट पेपर हो, तो इन सभी चीज़ों से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं और एक बहुत अच्छी तैयारी आप कॉलेज के दौरान ही कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको इंटरनल मार्क्स के लिए भी बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीएड और बीएसटीसी के दौरान आपको जो किताबें पाठ्यक्रम में चल रही है उनको अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों, इससे आपको देखो कितना फायदा यहाँ पर हो रहा है। एक तो आपकी जो बीएड बीएसटीसी आप कर रहे हैं उसका जो पेपर बनेगा वो भी इन्हीं में से बनेगा, और साथ ही आगे जाकर के जो कॉम्पिटिशन एग्जाम आप देंगे तो वहां पर भी आपको इसका फायदा मिलेगा। एक अच्छी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए बीएड और बीएसटीसी में, तो उसके लिए आपको साल भर या 2 साल मेहनत करनी होगी, और मेहनत आपको करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल 2 तरीके से आपको मार्क्स मिलते हैं। इंटरनल मार्क्स के लिए आपको अच्छी पढ़ाई करनी होती है। जी हाँ दोस्तों, तो इंटरनल मार्क्स भी आप अच्छे प्राप्त करने की कोशिश करें, और साथ ही जो एक्सटर्नल जो मार्क्स है, जैसा कि आप लेसन देने जाते हैं और भी कई प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं, तो उनके मार्क्स आपको मिल जाएंगे अच्छे। इसके अलावा आपको जो इंटरनल जो मार्क्स है यानी कि आपको जो पढ़ाई करनी है, तो वो भी आप अच्छे से ध्यान दें, ताकि आपको एक अच्छे मार्क्स के साथ आप बीएड और बीएसटीसी कर सके, आपकी मार्कशीट में एक अच्छी परसेंटेज दिखाई दे, जिसका बेनिफिट आपको आगे जाकर के भविष्य में जरूर मिलेगा। और अगली जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, बहुत ही काम की बात यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जो बीएड या बीएसटीसी कैंडिडेट्स करते हैं, तो उस दौरान जैसे आपको कई तरह के काम करने होते हैं, जैसे आपको लेसन बनाना होता है और साथ ही स्कूल्स में पढ़ाने जाना होता है, और इसी के साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज आपको करनी होती है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि कई कैंडिडेट्स को मैंने देखा है जो इन सारे कामों को बहुत ही बोरिंग तरीके से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक तनाव वो अपने सिर पर रख लेते हैं। बीएड और बीएसटीसी करने के दौरान अधिकांश कैंडिडेट्स को मैंने बहुत नर्वस देखा है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीएड या बीएसटीसी करने के दौरान ये जितने भी काम आपको करने होते हैं, चाहे लेसन बनाना हो, चाहे प्रोजेक्ट बनाना हो, या स्कूल में पढ़ाने जाना हो, या फिर और भी कई सारे काम हो, जैसे डायरिया वगैरह भरना हो, या दोस्तों इन सारे कामों को आप पूरी खुशी के साथ करें, एंटरटेनमेंट के साथ करें, पूरे एंजॉय के साथ करें,
तो साथियों यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा और बिल्कुल भी बोरिंग ये सारी चीजें नहीं लगेगी। और इसके साथ दोस्तों आपको सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि दोस्तों बीएड और बीएसटीसी के दौरान आपको केवल सीखना होता है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से आपको विद्यालय में जब आप टीचर बनेंगे तो वहां पर की जो एक्टिविटीज है उनको आपको करना है। तो ये सारी बातें आपको बीएड और बीएसटीसी के दौरान सिखाई जाती है। तो इसे आप बोझ नहीं समझे, बल्कि एक एंटरटेनमेंट के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ आप इन चीज़ों को सीखे तो यकीन मानिए दोस्तों आपको आगे जाकर के ये सारी चीज़ें बहुत फायदा देगी, आपको बहुत इसका प्रॉफिट आगे जाकर के मिलेगा। तो साथियों यहाँ पर मेरा यही कहना है कि बीएड और बीएसटीसी यदि आप कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो बहुत खुश होकर के एक उमंग के साथ, एक उत्साह के साथ आप बीएड और बीएसटीसी करें, और जितना आप सीख सकते हैं उतना आपको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ दोस्तों ये मेरी आपको निजी राय है कि आप बीएड और बीएसटीसी के दौरान अच्छा सीखें, जितना ज़्यादा आप सीख सकते हैं उतना ज़्यादा आपको सीखना चाहिए। और अंतिम जो महत्वपूर्ण बात है वो यह दोस्तों कि बीएड या बीएसटीसी के दौरान जब लेसन देने जाना होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कई स्कूल्स में आपकी ड्यूटी लगाई जाती है 10 दिन 15 दिन या महीने भर के लिए। दोस्तों ये बहुत अच्छा एक सीखने का अवसर होता है, तो इसको आप अच्छी तरह से भुनाए जी दोस्तों, क्योंकि आगे जाकर के आपको स्कूल्स में ही पढ़ाना है। तो जितने भी दिन आपको लेसन बनाने के लिए स्कूल्स में भेजा जाए, तो आप पूरे तन मन के साथ, उमंग के साथ आप लेसन बनाए और वहाँ बच्चों के सामने अपना अच्छा प्रेजेंटेशन, यानी कि आपका जो बेस्ट प्रेजेंटेशन है, बेस्ट परफॉर्मेंस है, वो आपको देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोगों को मैंने देखा है कि बीएड और बीएसटीसी के दौरान जब उनको स्कूल अलॉट की जाती है, तो यकीन मानिए दोस्तों एक महीने के लिए जब उनकी ड्यूटी लगाई जाती है लेसन देने के लिए, तो वो लोग लेसन देने नहीं जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेसन देने नहीं जाते हैं, बल्कि वो हफ्ते भर में एक बार या दो बार चले जाते हैं और इस तरीके से महीने भर वो टाइम पास करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको यदि 10 दिन 15 दिन या महीने भर के लिए लेसन देने के लिए किसी भी स्कूल में लगाया गया है दोस्तों, आपको पूरी उमंग और पूरी लगन के साथ आपको उतने दिन, जितने दिन आपको लेसन देना है, आपको बहुत अच्छी तैयारी करके अपने लेसन, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। जी हाँ दोस्तों, इससे होगा ये कि बाद में जब आप स्कूल्स में पढ़ाने जाएंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप स्कूल में पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो कैंडिडेट्स स्कूल्स में पढ़ाने नहीं जाते हैं और लेसन नहीं देते हैं ढंग से, दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बाद में सिलेक्शन होने के बाद उनको स्कूल्स में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आपको सुझाव, यदि आप बीएड और बीएसटीसी कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो बातें मैंने आपको बताई, यदि आप इन सबको फॉलो करेंगे, इनका ध्यान रखेंगे और ये सारे काम आप करेंगे, तो यकीन मानिए आपको आगे जाकर के दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ तक कि कॉम्पिटिशन एग्जाम की यदि आप तैयारी करेंगे फिर बीएड और बीएसटीसी करने के बाद, तो पहले ही प्रयास में आप कॉम्पिटिशन एग्जाम पास कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये मेरा आपको सुझाव था, यदि आप इसे मानेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।